नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनसीटी लाइव न्यूज़। एनडीए समर्थित प्रत्याशी को पराजित कर महागठबंधन ने दोनों ही पदों पर जमाया कब्जा। मधुबनी जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था किया गया था। अध्यक्ष पद पर महागठबंधन प्रत्याशी बिंदु गुलाब यादव जीती, इन्हें कुल 39 वोट मिला। एनडीए प्रत्याशी सईदा बानो को 16 वोटों से ही संतोष करना पड़ा, वहीं एक वोट रद्द हो गया। अध्यक्ष पद पर नव निर्वाचित बिंदु गुलाब यादव झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव की पुत्री है, इन्होंने 22 वोटों से ही जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद पर बिंदु गुलाब यादव की जीत से महागठबंधन कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पूर्व विधायक गुलाब यादव को बधाई देने वाले का तांता लगा हुआ है। बिंदु गुलाब यादव स्नातक एवं MBA है, राजनीति इन्हें विरासत में मिली है। पिता गुलाब यादव झंझारपुर से राजद विधायक रह चुके हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर भी महागठबंधन उम्मीदवार संजय यादव ने ही जीत हासिल की। वहीं संजय यादव को 31 मत, एनडीए उम्मीदवार पिंटू मिश्रा को 19, कांग्रेस उम्मीदवार दीपक सिंह को 4 और 2 मत रद्द हो गए। वहीं साथ ही उपाध्यक्ष पद पर संजय यादव ने 12 मत से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। मधुबनी से मोहम्मद कैब की रिपोर्ट। जवाब दे दिया है कि कहा जिसको दरकिनार कर दिया गया है उनको अपने ठीक है, कितने पार्टी बदलने वाले को जनता कभी माफ नहीं करते हैं। जनता हमारे साथ थे, पूरे जिला का जितने पार्षद थे इतने अंतर से आज ऐतिहासिक है। जब से पंचायती राज गठन हुआ है इतना वोटों से आज तक कोई प्रत्याशी नहीं जीता है। बिंदु गुलाब यादव का जीत सबसे बड़ी जीत मधुबनी जिला में।